राइट सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूं वैशाली, अभी करंट अफेयर्स मेंटर, और वेलकम टू सीयूटी हिंदी चैनल। हाउ आर यू ऑल? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश गाइस? फटाफट से एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है? एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग, ठीक है? और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो यू नो लाइक भी कर दीजिएगा भाई, लाइक कर देना, ठीक है? सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस। आज है महामैराथन, 6 मंथ्स की एंटायर करंट अफेयर्स को हम एक ही सेशन में कवर करेंगे, ठीक है? ये जो सेशन है करंट अफेयर्स तो है ही है, 6 मंथ की एंटायर करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, राइट? 6 मंथ्स की एंटायर करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं क्या, हम करेंगे स्टैटिक जीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है? सो गुजारिश है, वो कहते हैं ना कि खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है, मंजिल नहीं है मेरी ये, अभी असली उड़ान बाकी है, राइट? तो अभी ये मंजिल नहीं है भाई, अभी तो असली उड़ान बाकी है, और एग्जामिनेशन में हमको उस तरीके से फोड़ के आना है कि लगे यार मतलब मैंने पेपर दिया है ऐसे, ठीक है? सो गाइज रिविजन फटाफट से कंप्लीट कर लो, राइट? रिविजन फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है धुआंधार तरीके से मैराथन, वो सारे मैराथन आपको कवर, मतलब मेरे जो जितने भी जीके करंट अफेयर्स के मैराथन हैं उसको आपको करंट अफेयर्स का कवर करना है, और इसके साथ ही साथ आपको सिर्फ और सिर्फ बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी है, राइट? हैप्पी मदर्स डे एवरी वन, हैप्पी मदर्स डे, सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी मम्मियाँ हैं, मेरी मम्मी, आपकी मम्मी, सबकी मम्मी, दुनिया की मम्मी, सभी को हैप्पी मदर्स डे, और बहुत शुक्रिया अदा है, दिल से इज्जत है, सम्मान है, प्यार है, सब कुछ है अंदर से, और अपनी माओ के लिए जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस कर कर आज आपको इस लेवल तक खड़ा कर दिया है कि आप सीयूटी के एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हो, उसको क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो। जिंदगी रहे ना रहे, दोस्ती रहेगी, पास होगा दूर रहेगी मुस्कान। अरे 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 भाई साहब, भाई साहब, ठीक है, थामा थामा थामा, वेट वेट वेट, है ना? चलिए, सो गाइज याद रखिएगा, मम्मी जो होती हैं, आपकी मम्मी जो होती है ना, मॉम, मम्मी या माँ, जो भी बोलते हो, माता बोलते हो, तो मैं तो अपनी मम्मी को मम्मी, माँ, माता सब बुला देती हूँ, है ना? तो जैसे जो मम्मी है, राइट, वो आपकी जान है, आपको पता है, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है, पहले भी बहुत सैक्रिफाइस किया, तब आपको इस लेवल तक आप आए हो, राइट? तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, प्यार दो, कभी वो डांट भी दे, मार भी दे, सह लो यार, माँ है, है ना, माँ है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे संजय वर्मा, हैप्पी बर्थडे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और आई रियली लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल गाइस। तो सबसे पहले स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम करंट अफेयर्स पे आएंगे। 50 क्वेश्चन हैं स्टैटिक के जिसको हम कवर करेंगे, उसके जस्ट बाद हम यहाँ पे करंट अफेयर्स, 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पे आएंगे। तो एक बार हमने एक्चुअली अभी वीकली करंट अफेयर्स लिया है सीयूटी अड्डा पर, तो 25 क्वेश्चन तक हमने करा दिया है, एक बार यहाँ पर रिविजन करवा देते हैं, फिर हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक बार हम रिविजन करवा देते हैं पूरा फर्स्ट से लेके 25 तक रिविजन करवा देते हैं 3-4 मिनट में, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं 26वां से, ठीक है? चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। एसएनपी का हेडक्वार्टर मैंने क्या बताया था, एसएनपी क्या है, रेटिंग एजेंसी है, और उसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। दूसरा क्वेश्चन था पुटलिजर प्राइज, पुटलिजर प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, ये अवार्ड लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है, मनसुख एल मांडविया। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, ओडिशा में। कैपिटल ऑफ इजिप्ट क्या है, कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट कायरो है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है राजस्थान के, गाइस हाँ हिंदी में भी कराएंगे, हिंदी में करंट अफेयर्स रहेगा, एक बार स्टार्टिंग में ये देख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हु इज द करंट गवर्नर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गवर्नर कौन है, श्री कलराज मिश्रा। राज्यपाल कौन है राजस्थान की, श्री कलराज मिश्रा। उसके बाद एक बुक लिखी गई है, द गिन ड्रिंकर्स किसने लिखा है, सगारिका घोष ने। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट किधर है, ये आपके वाराणसी में स्थित है। आपके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, अल्जीरिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल मजिद तलबोने, क्लियर। सिक्किम के राज्यपाल कौन है गाइस, श्री गंगा प्रसाद, है ना। उसके बाद एक बुक लिखी गई है
वन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व, ये बुक किसने लिखी है? रघुराम राजन ने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, द लेहतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? मिजोरम में। सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पर है? एमपी में। गिरना डैम किधर है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10th of January। सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर के। चंदौली नेशनल पार्क पॉपुलर पार्क है कहाँ पर? महाराष्ट्र का। फिर आपका ककरापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है? सूरत में। प्रेजेंट गवर्नर कौन है गोवा के? पीएस श्रीधरन पिलाई। राज्यपाल कौन है गोवा के? पीएस श्रीधरन पिलाई। उसके बाद लक्ष्मण आचार्य हैं किसका? उसके बाद ओटावा का कैपिटल क्या है? ओटावा किसका कैपिटल, किसका कैपिटल है? कनाडा का। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ का, कहाँ पर लोकेटेड है? राजकोट में। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है गाइस? तमिलनाडु में, ठीक है। नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? ओडिशा में। तलिन जो है किस कंट्री का कैपिटल है? एस्टोनिया का। और बिहार के गवर्नर कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन सा क्वेश्चन का था? अच्छा, सिक्किम के गवर्नर कौन है? श्री लक्ष्मण आचार्य। अच्छा अभी देखते हैं, ठीक है, टेंशन मतलब अभी अभी देखते हैं कौन से ऑप्शन, किस ऑप्शन की बात कर रहे हो, जस्ट वेट अ सेकंड गाइस, किस ऑप्शन की बात कर रहे हो अभी देखते हैं। गुजारिश है सभी से एक बार धुआंधार तरीके से फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, ज्वाइन कर लो फटाफट से सभी लोग सेशन को। ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टैटिक जी के 50 MCQs और इसके साथ साथ 6 महीने की करंट अफेयर्स हम यहाँ पे मैराथन करने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग सेशन को, सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग सेशन को गई, सभी लोग सेशन को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है? चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोकरेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, द नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर है? नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर है गाइस, बताइए नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर है? आंसर यह विल बी मध्य प्रदेश। आंसर यह विल बी मध्य, कहां गया सॉरी, आंसर यह विल बी, आंसर हियर विल बी मेघालय, ठीक है। आंसर क्या होगा? मेघालय। सो नोकरेक नेशनल पार्क इधर है आपके मेघालय में स्थित है। क्लियर एवरीवन? क्लियर है गाइस? नोकरेक नेशनल पार्क कहां पर है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुगदी गाइस, फुगदी गाइस याद रखिएगा, फुगदी जो है ये फोक डांस है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है? फुगदी फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? फुगदी फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है गाइस? तो किस स्टेट से रिलेटेड है? आंसर हियर विल बी डी, दैट इज गोवा। आंसर हियर विल बी गोवा। क्लियर एवरीवन? तो फुगदी फोक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी? वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी? बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग।
इसका हेड ऑफिस कहां पर है गाइस? आंसर यह विल बी ए, लंदन. आंसर यह विल बी लंदन. ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी का हेडक्वार्टर किधर है? लंदन में. हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरे, आप टेंशन मत लीजिए गाइस, ये सेम नाम इसका इंग्लिश हिंदी में भी लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लो, मैं आपको बता रही हूँ. और इसके बाद हम जो 6 महीने के करंट अफेयर्स करेंगे उस वो इंग्लिश हिंदी में दोनों में रहेगा. तो मैम क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है गाइस? इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? जूम करें. बताओ इंडोनेशिया का क्या, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? अब सही है, इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है गाइस? आप सभी को पता है जाकर्ता या नुसाल्ट्रम, जाकर्ता भी हो सकता है या फिर नुसाल्ट्रम भी हो सकता है. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सिटी इज सर्व्ड बाय लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कौन सी सिटी जो है वहां पर लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है? कौन सी सिटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है? आंसर क्या होगा? आंसर हियर विल बी गुवाहाटी. आंसर हियर विल बी गुवाहाटी. क्लियर एवरीवन? क्लियर है? तो एग्जैक्टली बोल सकते हैं नुसेंतारा, बोल सकते हैं नुसेंट्रम. कुछ लोग नुसेंट्रम बोलते हैं, कुछ लोग नुसेंतारा. इट डिपेंड्स. जाकर्ता ही ऑप्शन है. हाँ, तो जाकर्ता ऑप्शन है तो जाकर्ता ही आएगा. आप इसको काट दो. अगर देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन जो है आपका यही दिया रहा ना, देखो ध्यान से सभी लोग देखिए, अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन यही दिया रहा ना कि जैसे जाकर्ता ही दिया है, तो आपको आंसर जाकर्ता ही टिक करना है. ठीक है, आपको जाकर्ता ही टिक करना है, तो इसका आंसर आप जाकर्ता ही टिक करो. ठीक है, चलिए इसका आंसर यहाँ पर गुवाहाटी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31st. सन टेंपल आपका कहाँ लोकेटेड है? सन टेंपल आपका कहाँ स्थित है? 31st क्वेश्चन देखिए, सन टेंपल कहाँ स्थित है गाइस? सन टेंपल कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है पुरी में. सन टेंपल आपका पुरी में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमिनेस्टी इंटरनेशनल? एमिनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर किधर है? मैंने आपको एक चीज बताया था, आई एम इन लंदन. आई एम इन लंदन, तो इसका क्या है हेडक्वार्टर? लंदन. लंदन यूके है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुरा नेशनल पार्क इधर है? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में सतपुरा नेशनल पार्क आपका स्थित है. ठीक है, चलिए. अरे यार, नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेडक्वार्टर किधर है गाइस? इसरो का हेडक्वार्टर सलीम अली. टेंशन मत लो बेटा, अभी अभी हम एमसीक्यूज क्वेश्चन करवाएंगे ना करंट अफेयर्स से, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा. ये वाला आप देख लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, क्योंकि ये हिंदी में ये मुश्किल हो रही थी यहाँ पर करने में. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. इसरो का हेडक्वार्टर किधर है फटाफट से बताइए? इसरो का हेडक्वार्टर किधर है गाइस? इसरो का हेडक्वार्टर किधर है? वेरी गुड, वेरी गुड. इसरो का हेडक्वार्टर आपके बैंगलुरु में है. बैंगलोर को हम किस सिटी के नाम से जानते हैं? स्पेस सिटी. बैंगलोर को स्पेस सिटी के नाम से जानते हैं. और क्या बोलते हैं बैंगलोर को? आईटी हब. आईटी हब के नाम से भी जानते हैं. और क्या बोलते हैं? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. गार्डन सिटी ऑफ इंडिया. और क्या बोलते हैं? सिलिकॉन वैली. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एनआर, ये देखिए, कुम्हरिया इज प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कुम्हरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ, किस स्टेट में स्थित है? कुम्हरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में स्थित है गाइस, बताइए? हरियाणा. ये आपके हरियाणा में स्थित है. ठीक है, कुम्हरिया पावर प्लांट आपके हरियाणा में स्थित है. मैम सीयूटी यूजी का एडमिट कार्ड आ चुका है. किसका किसका आ चुका है?
सबका नहीं आया बेटा, सबका नहीं आया अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, NRLM इज अ पॉवर्टी एविलिएशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो NRLM का फुल फॉर्म क्या है? NRLM का फुल फॉर्म क्या है बताइए, इनमें से कौन सा NRLM का फुल फॉर्म है? NRLM का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा, NRLM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल बोंदरम फेस्टिवल इज इन विच स्टेट. आपका जो ट्रेडिशनल बोंदरम फेस्टिवल है, बोंदरम महोत्सव है, ये किस स्टेट में स्थित है? किस स्टेट में स्थित है गाइस? ये आपके गोवा का एक फेस्टिवल है, गोवा का त्यौहार है. ठीक है, गोवा का त्यौहार है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. दुधवा डैम इज लोकेटेड इन द धमात्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. ठीक है, और आपको क्या बताना है? आपको बताना है किस रिवर पर ये बेस्ड है, किस रिवर पर है ये? अक्रॉस द डैश रिवर होगा. देखो रिवर पूछा है. दुधवा डैम लोकेटेड है धमात्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में. ये किस रिवर पर लोकेटेड है बताइए, किस रिवर पर लोकेटेड है गाइस? दुधवा किस रिवर पर लोकेटेड है? तो इसका आंसर यहां पर डी होगा, महानदी. दुधवा जो है आपका महानदी पे रिलेटेड है. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वेरी गुड मोइन सर की मोइनिया मैरिया जो भी है. व्हाट इज दिस नेम? विशाल, तनु, आई खुशी, बाबा दीपार्ट, मनी कर्णिका, विशाल व्लॉग्स, बहुत बढ़िया. अलीशा, शान्या, रितेश, अलीशा, क्रिश्चियन, संतोष, शाइन, अनुज, सक्सेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, पारुल परमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. पारुल परमार आपके किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है गाइज? ये आपके लिए स्टैटिक जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा. इसके बाद जस्ट हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं, वो बाइलिंगुअल रहेगा. लोकेटेड इन धामतरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा गाइज? आंसर हियर विल बी महानदी. 39 क्वेश्चन देखते हैं. पारुल परमार इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. पारुल परमार किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर यहां पर बैडमिंटन होगा, बैडमिंटन से रिलेटेड है. हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली. इटली की प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इटली प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर बताइए गाइस. आप सभी को इसका आंसर पता है. प्रधानमंत्री कौन है इटली की? इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी. वेरी गुड, आंसर विल बी बी, जॉर्जिया मेलोनी. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. जैक्सन सिंह ताउजन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट. जैक्सन सिंह जो है किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? जैक्सन सिंह किस स्पोर्ट से, किस खेल से संबंधित है गाइस? बताइए फटाफट से, जैक्सन सिंह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से. अभी हाल ही में संतोष ट्रॉफी दिया गया है. संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी, या फिर अगर हम बात करें दूरंध कप, या आपके सीयूटी के पेपर में आया था दूरंध कप, ये सब किससे रिलेटेड है? ये सब आपके फुटबॉल से रिलेटेड है. संतोष ट्रॉफी, दूरंध कप, और ये जो है जैक्सन सिंह थाउजन, ठीक है, थाउजाम, ये भी आपके किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस खजुराहो डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच इंडियन स्टेट. खजुराहो डांस फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? खजुराहो डांस फेस्टिवल हम किस स्टेट में मनाते हैं? फटाफट से बताओ, खजुराहो डांस फेस्टिवल हम किस स्टेट में मनाते हैं? हम सभी को पता है खजुराहो डांस फेस्टिवल हम मध्य प्रदेश में मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खजुराहो टेम्पल भी है, एरोटिक स्क्रप्चर्स कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे टेम्पल दिया. यार तुम लोग 404 लोग लाइव वॉचिंग हो और 150 लाइक है. यार फटाफट से शेयर कर दो, लाइक कर दो सेशन को, बहुत मेहनत लगती है यार इस चीज को करने में. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम दी स्टेट विच होस्टेड फर्स्ट एडिशन ऑफ हॉट एयर बलून. कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने पहला संस्करण किसका हॉट एयर बलून का लॉन्च किया है, होस्ट किया है? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा.
धुआंधार तरीके से आंसर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। 43rd का आंसर क्या है? डी, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंसर यह विल बी आंध्र प्रदेश। तो जो हॉट एयर बलून का पहला संस्करण जो है वो कहां पर स्टार्ट किया गया गाइस? तो ये आंसर होगा आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO का हेडक्वार्टर किधर है? IMO का हेडक्वार्टर किधर है, मुख्यालय कहां पर है IMO का? संतोषिणी, मेरा बच्चा बताओ IMO का हेडक्वार्टर किधर है? आंसर हियर विल बी सी, आंसर हियर विल बी सी, दैट इज UK, यूनाइटेड किंगडम। UK का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, धुआंधार तरीके से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रोलापदू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? दी रोलापदू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? फटाफट से बताओ। मैम केविन, हाय केविन, हाउ आर यू? क्या नमन, सच्ची कुछ भी बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। आंध्र प्रदेश, रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चील? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइल्ड चील, जो भी बोलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चील गाइस? 46th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चील? बताओ चाइल्ड का कैपिटल क्या है गाइस? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइल्ड? आप सभी को पता है सैंटिगो, सैंटिगो इसका सही आंसर होगा। सैंटिगो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चील? सैंटिगो, सैंटिगो, ठीक है। थैंक यू अलाहाबादी भुक्कड़। यार तुम लोग ऐसा नाम क्यों रखते हो? अलाहाबादी भुक्कड़ क्या होता है? अलाहाबादी भुक्कड़ क्या होता है जी? अलाहाबादी भुक्कड़, वाह वाह वाह, क्या नाम है, कहां से ऐसे नाम आते हैं? वो कौन सा एक डायलॉग है, कहां कहां से आते हैं ऐसे लोग। चलो मैम प्लीज मेरा कमेंट्स भी देख लो। बताओ बेटा IAS बॉयज, बस थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? देखो कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल मनाया गया? बताओ लूसोफोन फेस्टिवल मनाया गया, फटाफट से बताओ। गोवा में, गोवा में मनाया गया है, ठीक है, ये आपके गोवा में मनाया गया है। 48th क्वेश्चन देखो, हु इज द करेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर इन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ऐसा है, बताओ फटाफट से गाइज। हु इज द करेंट ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर इन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए फटाफट से। निचोड़ सीरीज का PDF कहां मिलेगा? GA बाय वैशाली पांडे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर? बताओ फटाफट से सभी लोग, आंसर क्या होगा? डी, MM पल्लम राजू, MM पल्लम राजू, क्लियर एवरीवन? मैम SSR सर कब आएंगे? जल्दी आएंगे बेटा, हम भी उन्हीं का वेट कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? बताइए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। रूबेका एंड वैशाली मैम का बेटू, अरे भाई इसको तो मुझे वो लेना पड़ेगा फोटो।
बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। नमन भारद्वाज में देखती हूँ क्या है। ठीक है बताओ इसका आंसर क्या होगा गाइस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। वैसे तो इसका बूडापेस्ट हंगरी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब जैसे दिया है, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा, लॉसाने स्विट्जरलैंड। लॉसाने स्विट्जरलैंड, लॉसाने है कहां पर, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर किधर है गाइस, लॉसाने स्विट्जरलैंड। क्लियर एवरीवन, हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू सो मच बेटू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दी दारहा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। दी दारहा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए। दारहा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मैम सुनिए ना, समृद्धि बच्चे सुनाइए ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। दारहा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, आप सभी को पता है दारहा नेशनल पार्क कहां पर है, राजस्थान में। दारहा नेशनल पार्क कहां पर है गाइस, राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो गाइस यहां हमने देखो, अब इसके बाद क्या है, देखो ये सारी आपकी पीडीएफ है, ये आपका 50 क्वेश्चंस के पीडीएफ थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। आंसर्स भी गिवन है इसमें, देखो सब सबके आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो, ये आपके आपको ये एक्सेस हो जाएगी, ठीक है, ये आपके आंसर्स गिवन है। क्लियर एवरीवन, तो ये आपके 50 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, राइट। ये सारे आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब चलिए फटाफट से अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स, और पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस, ये 6 महीने की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखना और धुआंधार तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। पारुल वैगेश मैम, आई लाइक यू सो मच, आई लव यू टू, आई लाइक यू टू, बताओ फटाफट से। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे यू टू एवरीवन। मैम हमारा एक क्वेश्चन सुनिए ना, बोलिए ना इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाते हैं, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी मार्च 27 को। वेरी गुड, यू आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल, एकदम सही आंसर कर रहे हो। मैम हिंदी में भी बोल दीजिए, विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है, मार्च 27 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस का थीम क्या है, विश्व रंगमंच दिवस का थीम क्या है गाइस, किसको लॉक करें, किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, बताओ। समृद्धि उपाध्याय, बेटा मैम क्या क्या पूछना है, समृद्धि पूछो ना, हाँ यहां से कर लो, 6 महीने की करंट अफेयर्स। आंसर यहां पर क्या होगा, सी थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, क्या हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रंगमंच और संस्कृति शांति की, ठीक है, थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन ऑनर्ड केरलाज हाइएस्ट सिविलियन ऑनर केरला ज्योति। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास कब तक चलेगी, बस ज्यादा नहीं, 9 बजे तक, 9 या 9:15 तक, ठीक है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया, बताओ। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया, बताओ फटाफट से सभी लोग। बेटा 6 महीने की करवा रहे हैं, तो अभी दिसंबर का भी आएगा, जनवरी का भी आएगा, मई का भी आएगा, सबका आएगा, ठीक है। वाई आर यू सैड, आंसर यर विल बी सी, दैट इज एमटी वासुदेवन नायर, एमटी वासुदेवन नायर। एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को लाइक कर दो यार, एमटी वासुदेवन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट, डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम्स विल बी एनहांस फ्रॉम, फटाफट से बताइए। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कितने से बढ़ाई गई है,
मैम पीडीएफ दे दीजिएगा। हाँ दे दूंगी यार, दे दूंगी पक्का। बताओ वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा कब से? 15 से 30। आपको तो रट जाना चाहिए, मैंने आपको काफी बार इसका रिविजन करवा दिया है, आपको तो रट जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज लॉन्च्ड एन ऐप जिसका नाम क्या है? कॉल बिफोर यू डिग। कॉल बिफोर यू डिग, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। कॉल बिफोर यू डिग किसने लॉन्च किया गाइस? कॉल बिफोर यू डिग किसने लॉन्च किया है? ऐसी की तैसी हो गई है बाकी। कॉल बिफोर यू डिग किसने लॉन्च किया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉल बिफोर यू डिग लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज इनॉग्रेटेड वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली? हु हैज इनॉग्रेटेड वैदिक हेरिटेज पोर्टल इन न्यू दिल्ली? वेरी गुड बेटू, आंसर विल बी ई, अमित शाह। गृह मंत्री हमारे कौन है? अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट फॉर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? कौन सा शहर संयुक्त कमांडर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? कौन सा शहर संयुक्त कमांडर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है बताइए? इसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सेशन। ठीक है, हाँ चलिए, इसका आंसर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांग पालबुंग जंगडोक पालरी मठ, ये आपके किस स्टेट में रिलेटेड है? जंग पालबुंग जंगडोक पालरी मठ किस राज्य में स्थित है गाइस? किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये? तो ये आपका स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश में। 6 महीने की करंट अफेयर्स कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, विच कंट्री हैज रिसेंटली एग्रीड टू ज्वाइन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायलॉग पार्टनर? हाल ही में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन में एक संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हो चुका है? कौन सा हो चुका है गाइस? सऊदी अरेबिया। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या हुआ अंकिता? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर आपके बेंजिंग चाइना में है, बेंजिंग चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारत के संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में चुना गया है? सुरभि, आंसर होगा बी, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल ऑन ट्रेड ऑन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खेल ऑन ट्रेड ऑन कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अनीता सरोज, क्या हो गया? आंसर विल बी ए, दैट इज रॉबिन उथप्पा, रॉबिन उथप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान इन गुजरात? गुजरात में भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो ये किया गया है गाइस अमित शाह के द्वारा, अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? हाल ही में किस हवाई अड्डे को दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना चुका है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहां पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। इसको आपका 9th बिजिएस्ट हवाई अड्डा बना दिया गया है। ठीक है, आंसर विल बी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा यहाँ पे कौन सा संगठन है जो वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक उत्पादन करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस द एनुअल वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स बताइए, कौन करता है गाइस? आंसर विल बी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं, हु इज द सीईओ एंड एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? आंसर यह विल बी बी, दैट इज शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हु आर द रेसिपियंट ऑफ 2023 यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम? रेसिपियंट कौन है? थ्री ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने डैश के रेगिस्तान में अभ्यास सुदर्शन प्रहार किया है। इंडियाज आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कैरीड आउट सुदर्शन एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन द डेजर्ट्स ऑफ, तो कहां पर किया गया है? आंसर यह विल बी राजस्थान, राजस्थान में ये किया गया, ठीक है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल कब मनाते हैं? भारत में हर साल डैश को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये कब मनाया जाता है गाइस, कब मनाया जाता है? आंसर यह विल बी सेकेंड ऑफ दिसंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज ऑर्गेनाइज बिजली उत्सव इन द बक्सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने असम के बक्सा जिले में बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो ये आपका क्या है, आर ई सी लिमिटेड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग वाइस विजिलेंस कमिश्नर, कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया गाइस, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील के फुटबॉल, ध्यान से सुनिए सभी लोग, ब्राजील के फुटबॉल के दिग्गज एडिसन अरांटेस डी नासिमेंटो, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है, 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा, आंसर होगा उनको किस नाम से जानते थे, पेले, उनको हम पेले के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया? धनु यात्रा फेस्टिवल जो कि एक लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, किस स्टेट में शुरू किया गया? ये किया गया गाइस ओडिशा में, राइट, ओडिशा में इसको किया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारी डैश को नोएडा का नया पुलिस प्रमुख नियुक्त किया, जिससे वह राज्य में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं गाइस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहां पर अपॉइंट किया है एक आईपीएस ऑफिसर को, राइट, न्यू नोएडा पुलिस चीफ, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने यहां पर हेड किया है पुलिस कमिश्नरेट स्टेट में। इनका नाम क्या है, लक्ष्मी सिंह, आप सभी को पता है इनका नाम क्या होगा गाइस, लक्ष्मी सिंह, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन 2022 डैश एनिवर्सरी ऑफ इंडिजिनसली डेवलप पेमेंट एप्लीकेशन भीम, 2022 में स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान एप्लीकेशन भीम की डैश वर्षगांठ यहां पर मना दी गई है, कौन सी? हेलो सही है, नाउ माय वॉइस इज कमिंग गाइस, चलो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की पुलिस को निजात अभियान के इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ द पुलिस 2022 का पुरस्कार मिला है? विच स्टेट पुलिस हैज रिसीव्ड द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ द पुलिस 2022 अवार्ड फॉर द निजात कैंपेन के लिए? मैम हाँ, ये गाइस ये सारे क्वेश्चन 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने स्टैटिक तो कर ही लिया था पूरा, अभी 50 क्वेश्चन अच्छे से, अब हम करंट अफेयर्स 6 महीने की कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर यार विल बी ई, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर के फाइनल्स में मध्य प्रदेश को 2-0 से हराकर किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर जीता है?
विच स्टेट हैज वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विमेन अंडर 18 क्वालिफायर आफ्टर डिफीटिंग मध्य प्रदेश 2-0 इन द फाइनल एट भुवनेश्वर. मनु गुप्ता यार सेशन को लाइक कर दो फटाफट से धुआंधार तरीके से सभी लोग. सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग, है ना. चलिए आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं. इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ. आंसर विल बी डी, हरियाणा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. $2,000 बिलियन खोने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं भाई. इनका नाम सभी को पता है, एलॉन मस्क. एलॉन मस्क किस कंपनी के सीईओ हैं. स्पेस एक्स, टेस्ला के और ट्विटर के. ये क्या है, हेड है. अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बने हैं. ट्विटर के नए सीईओ बने, इनका नाम क्या है, लिंडा LINDA लिंडा याकारिनो. अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं, याद है. ट्विटर के नए सीईओ कौन है, लिंडा याकारिनो. इसका आंसर होगा ई. नेक्स्ट क्वेश्चन. तीसरी बार कार्यालय संभालने के लिए ब्राजीलिया की राजधानी में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है. हु वॉज सोन इन एज द ब्राजील प्रेसिडेंट इन द कैपिटल ऑफ ब्राजीलिया टू अज्यूम द ऑफिस फॉर द थर्ड टाइम. तीसरी बार कार्यालय संभालने के लिए ब्राजीलिया की राजधानी में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, बताओ फटाफट से. आंसर होगा डी, दैट इज लुइस इंसेंसियो लुला डा सिल्वा. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. देखिए वैश्विक परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है. ग्लोबल फैमिली डे हर साल हम कब मनाते हैं. मैम आई हैव लाइक दिस सेशन. अरे नाइस. आंसर विल बी ए, फर्स्ट ऑफ जनवरी को. क्लियर एवरीवन. सो ग्लोबल फैमिली डे हम 1 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने डैश के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का निर्णय लिया है. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज इंटेंट टू मेक द स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वन द विमेन सिंगल फाइनल इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप. इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है, किसने जीता है गाइस. आंसर विल बी ए, आन सियोंग. क्लियर एवरीवन, आन सियोंग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. मध्य प्रदेश के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. आंसर यह विल बी नरेश लालवानी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी पीपल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पद्म विभूषण अवार्ड. भाई कितना पीपल सेलेक्टेड है, 6 लोग सेलेक्टेड है. 6 पीपल हैव बीन सेलेक्टेड. क्लियर राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. किस राज्य के नाबालिग लड़कियों की शादी कराने वाले पुरुषों को कठोर कानूनों के तहत कारावास की सजा घोषित कर देनी चाहिए. तो आंसर यहां पर असम होगा, असम. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया है, बताइए. तो निम्नलिखित में से किस टीम को फीफा प्ले फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया गाइस. तो ये किया गया है गाइस इंग्लैंड को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति. गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. तो ये किया गया है आपके अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं. रेल मंत्री को यहां पर किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है. 2022 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. 2022-23 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. तो किसे नियुक्त किया गया है. आंसर यह विल बी अभिषेक. आंसर यह विल बी प्रशांत कुमार. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है. इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाते हैं हम. ये हम मनाते हैं गाइस दिसंबर सेकेंड को यहाँ पर मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किसे पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नामित कर दिया है. निम्नलिखित में से किसे पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. तो ये बनाया हरमनप्रीत कौर को. आंसर यह विल बी हरमनप्रीत कौर. आपकी पूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर श्रेणी में 2023 अकादमी पुरस्कार का ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी है? यार एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर। अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 2023 अकादमी पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कितनी है? आंसर यहां पर क्या होगा? ए द लास्ट शो, द लास्ट शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? भारतीय मूल के लियो वराडकर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? आंसर यहां पर सी होगा, आयरलैंड, आयरलैंड के रूप में चुना गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। सरकार द्वारा बजट कहां पेश किया गया? सरकार द्वारा बजट कहां पेश किया गया है? तो यह किया गया है लोकसभा में। लोकसभा क्या है? लोअर हाउस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया है। 2023 के बजट भाषण में सीतारमन जी ने कितना समय बोला है? 1 आवर, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट इन्होंने बात की है। नेक्स्ट, डैश पर निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑन डैश इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोफिलिएशन अवेयरनेस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं गाइज हम 5 मार्च को। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन मैंने पहले ही करवा दिया। नेक्स्ट, किस टीम ने सर्वाधिक संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो ये होगा कर्नाटक की टीमें। और संतोष ट्रॉफी की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, आपके फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रपुर और यावतमल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर डैश में स्थापित किया गया। बताइए, वर्ल्ड फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन अ हाईवे कनेक्टिंग द चंद्रपुर एंड यावतमल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यावतमल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मऊगंज किस राज्य का 53rd जिला बन चुका है? मऊगंज किस राज्य का 53rd जिला बन चुका है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ में कितने मेंबर्स होते हैं? 8 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन सी कंट्री शामिल है इसमें गाइस? चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना कब और कहां हुई थी गाइस? नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जाता है? दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जाता है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आंसर यहां पर होगा न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, किस भारतीय फिल्म के गीत नातू नातू ने 95th ऑस्कर पुरस्कारों के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर जीता है? पता है, RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन वैली बैंक को नेतृत्व करने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा किसे नियुक्त किया गया? बताइए, बताओ फटाफट से। सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC किसे नियुक्त किया है? यह किया है गाइस टिम मायोपोलिस को यहां पर अपॉइंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन धुआंधार तरीके से देखते हैं, पुटलिजर प्राइज ये हमने ऑलरेडी कर लिया, लिटरेचर जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीतरकनिका नेशनल पार्क इधर है, आपके ओडिशा में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये हमने करा दिया है मिजोरम, ये हमने पहले करा दिया है, पहले स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से फ्री करंट अफेयर्स पे आए हैं। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? आप सभी को पता है लिटरेचर में दिया जाता है ना, साहित्यिक में। नेक्स्ट, ओटावा किसका कैपिटल है गाइस? सभी को पता है कनाडा का कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है, ये मैंने ऑलरेडी करा दिया है। नेक्स्ट, सन टेम्पल कहाँ पर है? सन टेम्पल आपका पूरी ओडिशा में है ना। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ एमिनेस्टी इंटरनेशनल लंडन UK। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल बोनड्रेम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम गोवा में।
ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है। नेक्स्ट, खजुराहो फेस्टिवल एमपी का फेस्टिवल है, तो आंसर यहां पर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन, जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, पेरिस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर किधर है, पेरिस, पेरिस कहां पर है, फ्रांस में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है। एक चीज और, गाइज या एक चीज आप याद रखिएगा, हम हमारी अल्टीमेट गाइज आज, क्योंकि 14 मई को मदर्स डे पड़ता है ना, 14 मई को क्या पड़ रहा है, मदर्स डे है ना, तो मदर्स डे के उपलक्ष में यहाँ पे आपके लिए 25% डिस्काउंट है, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है, ठीक है। आपके जो अल्टीमेट बैच लॉन्च हो रही है, अभ्यास बैच लॉन्च हो रही है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 5-6 दिन की अल्टीमेट बैच है और हिंदी मीडियम वालों के लिए अभ्यास बैच है, ठीक है। दोनों बैच लॉन्च हो रही है अड्डा 24/7 के स्टोर पर, 25% डिस्काउंट मिल रहा है यूजिंग कोड Y455। कोड यूज करना है आपको कौन सा, Y455, ठीक है। कौन सा कोड यूज करना है गाइस, कोड यूज करना है Y455, ये कूपन कोड यूज करना है आप सभी को, ठीक है, ये वाला कोड Y455, ये कूपन कोड यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन कोड यूज करना है। यहां पर आपको आप देख पा रहे हो, जैसे ये मान लो अल्टीमेट बैच दिखाती हूँ, डोमेन का अल्टीमेट बैच दिखाती हूँ, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो Y455 अप्लाई करते हो, आप देखो 25% का डिस्काउंट है आपको, 1499 में मिल जाएगा ये, ठीक है, 1500 में, है ना। तो ये चीज़ है, और बाकी जनरल टेस्ट पे भी तो आई थिंक 700 यूज, बस यही कूपन देखो परचेज करना है, चाहे जनरल टेस्ट के लिए, चाहे इसके लिए क्या बोलते हैं डोमेन्स के लिए, अल्टीमेट हो या अभ्यास हो, कोई भी बैच हो, आप ये कूपन कोड यूज़ कीजिएगा Y455, ये वाला, दिस कूपन कोड यू हैव टू यूज Y455, ये बैचेस के लिए है, और अगर आपको मॉक टेस्ट परचेज करना है या ई बुक्स परचेज करना है तो Y455S लगा दो बस आगे, Y455S, ठीक है। चलिए, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे, आई होप यू लव दिस सेशन, आपको अच्छा लगा हो। मैंने पहले स्टैटिक करवाया, फिर करंट अफेयर्स, 6 महीने की करंट अफेयर्स एंटायरली कंप्लीट हो गई है, राइट। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे अपने नए दिन के करंट अफेयर सेशन में। अंटिल देन, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।